हे रोली, जरा बताओ मुझे आज कौन सा ड्रेस पहनूं, ये वाला या ये वाला? जो आपका मन करे वो पहन लो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? कम ऑन, यू आर अ गर्ल और मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी हेल्प नहीं करोगी? दादी भी लड़की है, फीकी दीदी भी लड़की है, आप उनसे पूछ लो ना। ओके बीजी। हाँ जी बेटा। आप बताइए कौन सा ड्रेस पहनूं? कैसे आज इतना सच दच के जाने का है तूने? बताऊंगी ना बीजी, आपसे थोड़ी ना कुछ पा सकती हूँ, आप चड्ढा की बीजी है। रोली बेटा, आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। एक मिनट फिर की। हाँ? रोली के लिए आइसक्रीम लाए थे ना? वाओ, आइसक्रीम। चलो हाय जया। हाँ जी बताओ बीजी। बच्ची के सामने नहीं कहना चाहती थी, पर आपको पता है कल रात क्या हुआ? कल रात आपके बेटे ने नशे की हालत में मुझसे जो कहा ना, वो सुनकर मैं अभी तक हवा में हूँ। आई मीन फाइनली उसने मुझसे कह दिया, आई लव यू सैम। सच्ची आपकी कसम, मुझे लग रहा है कि मैं ही नशे में हूं। आई मीन लव पीजी, चड्ढा इज इन लव, वी आर इन लव पीजी। कल कुलदीप नशे में था, तू भी तो टुल्ले नहीं थी कहीं, क्योंकि जब वो कार आया था ना तो फोन पे मुझसे बात कर रहा था और रात को सोने तक उसकी जुबान पर दो ही नाम थे, शुभ्रा ऋषि। वो बस आपका दिल बहलाने के लिए फोन कट होते ही उसने मुझसे कहा, सैम आई लव यू। और एक बार नहीं बीजी, बहुत बार, पूरी रात सोने नहीं दे रहा था। बड़ा ख्याली पुलाव ना पकाओ, मैं मेरे पुत्र को जानती हूं। चड्ढा कम, क्या चलो टॉवल नो चेंज तो करने। नहीं बीजी को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ ना, बताओ कि कल रात को हमारे बीच में क्या हुआ था और सुबह तुमने मुझसे क्या कहा, बोलो बीजी से क्या छुपाना, बताओ बीजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ बोलो, यू लव मी। चीट कर क्या था? नो चड्ढा, नो 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 नो, बोलो अभी बीजी के सामने बोलो कि यू लव मी। लुक इन टू माई आईज और नजर हटाना मत, बोलो ना बीजी को। देखो अगर तुमने नहीं कहा ना तो तुम और मैं ऐसे ही पूरा दिन यहीं खड़े रहेंगे। बीजी यहाँ पर है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मत करो, समझा करो यार तुम। बीजी के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने कहना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए, सबको सुनाई देना चाहिए दैट यू लव मी। ओके सर, आई लव यू। रोली आजा पुत, आज बड़ा अच्छा दिन है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ देख वो बर्थडे पे कैसे चॉकलेट बांटते हैं ना, वैसे आज तेरे पापा सबको आई लव यू बांट रहे हैं, जा तू भी अपने हिस्से का ले ले, चल चल चल, शाबाश। हाँ जी पापा। हाँ डू यू लव मी? ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस, आई लव यू। पुत्र अपनी बीजी को नहीं कहेगा कि तू मुझसे भी लव करता है? बीजी आई लव यू,
पर आपकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। आई लव यू मैं चेंज कर गया। वाह जी वाह, आज मेरा पुत्र बड़े सही मूड में, किसी को भी बोल रहा है आई लव यू। फिर की अंजी नाश्ता लगा जी। फिर की तो किचन में जा, आज ब्रेकफास्ट मैं सर्व करूंगी। जी दीदी। आम चट्ठा डिनर टेबल बुक कर दो 7 बजे के लिए। डिनर की बात में सोचना पुत्र, पहले ब्रेकफास्ट तो दे दो हैं? रोली को दूध दे दो, तू क्या खाना है पुत्र? मैं ये खा लूंगा। वैसे कहाँ जा रहे हो डिनर के लिए? ये हमारा सीक्रेट है, हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। मेरा भी एक सीक्रेट है, शाम 7 बजे से पहले कार आ जाना। कुलदीप रोली को लेकर वो पूना जा रहा है। पर चड्ढा क्यों जाएगा पुणे? क्योंकि मैंने इस घर में कुछ रूल बनाए, हर वीकेंड पर तू रोली को लेकर पूना जाएगा, ठीक है? रोली ऋषि से मिल लेगी, मम्मा से मिल लेगी, तुम ऋषि से मिल लोगे, कोई किसी को मिस नहीं करेगा, ठीक है ना? वाओ दादी। मैंने कुछ और भी कायदे कानून बनाए, रोज शाम 7 बजे तू ऋषि को फोन करेगा, 7 बजे फैमिली टाइम, ठीक? पर बीजी 7 बजे की तो मैं बुकिंग करवा रही हूँ, फोन 6 बजे नहीं कर सकते? 7 बजे मतलब 7 बजे बेटा, तुम लोगों की डेट जरूरी है या फैमिली टाइम बताओ, क्या जरूरी है तुम्हारे लिए, ऋषि या डेट? दोनों बीजी, मगर आप फिक्र ना करें, अगर आपने 7 बजे बोल दिया तो 7 बजे हर रोज कॉल करूंगा। ठीक है जी, मैं किया। फिर की दूध गर्म करते। दीदी नाम हमरा है फिर की, पर आपके होने वाली सास ने ले ली आपकी फिर की। हाय दया, सैम के प्लान को कोई चेंज कर दे, ये वो होने नहीं देगी। पर दीदी ये जो अम्मा है ना, ये तो आपका प्लान में टांग अड़ाएगी ही अड़ाएगी, और तो और आप एक बार तो इस अम्मा से जीत लो। पर वो है ना जो अम्मा की पोती, वो है आपके रास्ते का काटा। हाँ कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा फिर के, कि बेटी अपनी माँ के पास वापस चली जाए। सिद्धि घोड़ी है दीदी, वो नहीं जाएगी। हाँ किसी की जिद को कैसे तोड़ते हैं मैं अच्छे से जानती हूँ, तू देखती जा। शुभ्रा ने अभी अभी दवाई लगाई है उसे, मैंने आज तक ऋषि को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा आगे। अगर गैर जिम्मेदार आदमी से शादी करेगी तो ऐसा ही होगा ना, पति के रूप में तो वो जीरो था ही, मगर बाप के रूप में फेल आए तो एकदम फेल। मैंने अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी हर खुशियों का ख्याल रखा मैंने, और एक वो आदमी है जिसे किसी की परवाह ही नहीं है, अय्याशी में डूबा है नालायक। देखिए शांत शांत हो जाइए ना आप,
आप गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। मेरा बीपी बढ़े या शुगर बढ़े मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे आज उससे बात करनी है जो इस सब चीज के लिए जिम्मेदार है। हेलो आया मत जाओ ना, सोसाइटी मीटिंग में क्या बोलोगे आप? गलती तो मेरी है ना। तू जब जीत कर आता था ना ऋषि, तो सबसे ज्यादा मैं खुश होती थी ना ऋषि, मैं खड़ी होती थी ना तेरे साथ। तेरी जीत की निशानी है ना ये। आई पर अब मैंने गलत काम किया ना। तेरी गलती में भी मैं वैसे ही खड़ी रहूंगी ऋषि, जैसे मैं तेरी जीत के साथ खड़ी थी। क्योंकि मैं जानती हूं अपने ऋषि को, जिस ऋषि को गुस्सा आया वो कोई और ऋषि था, वो मेरा ऋषि नहीं है। और जिस ऋषि को गुस्सा आया उस ऋषि को तो तूने भगा ही दिया है ना। आज ऋषि, गुस्सा सिर्फ हमारी कमजोरी है, हमारी ताकत नहीं है। तू बता ना, तू क्यों गुस्सा है इतना? क्या हुआ है तुझे? गुस्सा इसलिए क्योंकि सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कि तेरे पापा भाग गए, रोली पे भाग गए सिर्फ मेरे वजह से। हाँ तो तू तो जानता है ना, रोली तुझसे कहीं दूर नहीं गई है, तेरे पापा तुझसे कहीं दूर नहीं गए, सब तेरे पास ही है। दादी ने क्या बोला तुझे, वीकेंड पे सब मिलने आ रहे ना तुझसे, हर वीकेंड मिलने आएंगे ऋषि। फिर क्या, सिर्फ दो दिन के लिए रहेंगे ना, सब बच्चे के पापा हमेशा उनके साथ रहते हैं, फिर मेरे पापा क्यों नहीं? ऋषि पापा के थप्पड़ कैसे भूल जाऊं मैं? आई ऋषि, अरे ऋषि क्या, रुक रुक क्या हुआ? सोसाइटी की मीटिंग है ना तेरी, तू जा मैं संभालती हूँ ऋषि को, मैं संभाल लूंगी, जा तू। आज नहीं रोऊंगी, आज मैं अपने बेटे के लिए स्ट्रांग होके दिखाऊंगी, उतनी स्ट्रांग जितनी शुभ्रा 12 साल पहले थी, जो किसी से डरती नहीं थी वही शुभ्रा बनकर दिखाऊंगी। मुगेम्बो क्यों फोन कर रहा है भाई? हेलो, नमस्ते भाई साहब। बहन जी, आपके उस नालायक बेटे ने मेरे नातू की क्या हालत कर दी है, पता भी है कुछ आपको? ऐसा क्या हो गया भाई साहब? ना जाने क्या देख लिया मेरी बेटी ने उस नालायक में। दिया ही क्या है उसने? मेरी बेटी को, मेरे नातू को दुख के अलावा दिया ही क्या है उसने अब तक? आज ऋषि की जो हालत है ना, उसका जिम्मेदार वो नालायक ही है। साहब आप बताएंगे क्या हुआ है ऋषि को? मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ जी, हम लोग एक ही नाव पर सवार है भाई साहब। आप नहीं बहन जी, मैं और मेरा पूरा परिवार। आप तो सुख शांति से अपने उस नालायक बेटे के घर में बैठे हैं ना? मगर मैं पिछले 12 साल से अपनी बेटी से दूर। भाई साहब मेरे बेटे की गलती मैं मानती हूँ, माफी मांगती हूँ, एक बार नहीं 100 बार माफी मांगती हूँ। भाई साहब शुभ्रा ऋषि रोली मेरा परिवार है जी, मैं उनकी ढाल हूँ, जरूरत पड़ने पर तलवार बन सकती हूँ जी। लेकिन अगर आप अपनी बेटी से 12 साल से दूर है ना जी, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपका गुस्सा
आपका अहंकार है जी। आपको डर था लोग क्या कहेंगे, इसलिए आपने सबसे दूरी बना ली। अब आप अकेले पड़ गए। मेरे बेटे की गलतियां पता है जी मुझे, पर आपकी? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती करे आपका बेटा और कसूरवार मैं? अब समझ में आया आपका बेटा ऐसा क्यों है, आप ही पे गया होगा। भाई साहब, बच्चे गलतियां करते हैं जी, और बड़े उनको माफ करते हैं। हाँ, अब ये मत कहना कि शुभ्रा और कुलदीप बच्चे नहीं रहे। हाँ जी, माँ बाप के लिए बच्चे हर उम्र में बच्चे ही होते हैं जी, और जब वो गलतियां करते हैं जी तो उनको चाहिए होता है हाथ, उनको चाहिए होता है साथ। मैं अपने बच्चे के साथ, और आप अपने बच्चे के साथ है? आपने कभी उसकी तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया भाई साहब? मैं अपने पुत्र को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए उसके साथ हूं जी, लेकिन शुभ्रा वहां के ही। ऋषि को उसके नाना जी का साथ चाहिए। आप हैं जी वहां? चंडा जी होते ना, कभी वो दोनों को अकेला ना रहने देते। रहने दो जी, आप नाना जी है ना ऋषि के, आजोबा। अपने पोते की हिम्मत, उसका सहारा नहीं बन सकते? अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते आप? सोचिएगा, और अगर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। सिर्फ कलर सेम होने से क्या होगा? मैं और कुलदीप अब एक जैसे सपने, एक जैसी लाइफ। कैसी लग रही हूं मैं?
मेरे और चड्ढा के प्यार के नशे में। नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, बंद कर दो। यही हुआ था आज। उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ। ऋषि ने इतनी बुरी तरह से हमारे बच्चों को मारा था। मैंने तो ऋषि की गलती पहले ही मान ली थी। सोसाइटी कमिटी मीटिंग क्या है ये सब? अरे सोसाइटी से परमिशन ली हुई है मीटिंग के लिए। इनको भी तो पता चले क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आपने परमिशन दी है? हाँ मैडम, लेकिन जो हुआ मेरे सामने नहीं हुआ ना, जिसने देखा है वो हम सबको बता रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? पर ये एक तरफा भी तो हो सकता है ना सर। ऋषि को गुस्सा क्यों आया, बच्चों ने उसके साथ क्या किया, उसके साथ ऐसा सब... आप बैठ जाइए प्लीज, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। हाँ वर्षा जी, आप बोलिए। आप राधिका से पूछिए, देखिए उसकी बच्ची को कितना मारा। राधिका बताना। ये देखिए कितनी चोट लगी है इसको। अगर बाकी सब लोग नहीं होते तो मेरे बेटे का क्या हाल होता। ऋषि पहले कितना सीधा था, कितना अच्छा था, अब पता नहीं उसे क्या हो गया है। अरे अगर हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग रहेंगे तो सोसाइटी का माहौल तो बिगड़ेगा ही ना। बताइए बिगड़ेगा ही ना। आप बैठो, आपको लास्ट में बोलने का मौका दिया जाएगा प्लीज। नहीं सर, बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं नहीं सुनूंगी। जब बात मेरे बच्चे की और मेरी हो रही है तो मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? अरे बापू, इसकी तो जबान भी उगाई और चलने भी लगी। ये वो शुभ्रा नहीं है जिसे आप रुला सकते थे, ये नई शुभ्रा। उस पुरानी शुभ्रा का नया रूप है। इससे टकराने की गलती मत करना।